यहाँ अकबर रियाज जो के अब नए एसएसपी होंगे मली के, इनकी तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इससे कबल ये इतलात भी गर्दिश करती रही हैं कि जब जब राव अनवार को मौतल किया गया या बरतरफ किया गया, उनकी जगह पर उन्हीं के मनमाने, उन्हीं के मनपसंद एसएसपी को मली का चार्ज दिया गया है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है। इसी पर कुछ मजीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज समीर कुरैशी से। समीर कुरैशी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, क्या मजीद सलात हैं? जी देखिए, ये अब से कुछ देर पहले जो है वो राव अनवार जो एसएसपी मलीर थे जिन्हें मौतल कर दिया था, उनकी जगह जावेद अकबर रियाज को एसएसपी मलीर जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। इसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जावेद अकबर रियाज इससे कबल जो है वो स्पेशल ब्रांच में तैनात थे, इनकी खिदमात से करता कबल ही एफआईए से सिंध पुलिस के हवाले की गई है। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इससे कबल भी राव अनवार मौतल हुए या सीट से जब भी हटाए गए तो उनकी जगह जो भी एसएसपी मलीर में तैनात हुआ है वो इनकी मर्जी के मुताबिक ही तैनात हुआ। एक वहां मुसलसल लॉबी चल रही थी, वही एसएचओ तैनात होंगे, वही एसपी तैनात होंगे जो उनकी मर्जी में होंगे, लेकिन इस बार पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि जावेद अकबर रियाज को आईजी सिंध की सिफारिश पर हुकूमत सिंध ने एसएसपी मलीर के ओहदे का चार्ज संभालने का हुक्म दे दिया है। जी अच्छा, ये बता दीजिएगा समीर कुरैशी, जो हुक्म दिया गया है फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा, कितना वक्त दरकार होगा चार्ज संभालने के लिए? जी देखिए, नोटिफिकेशन हो गया है, वो आज किसी भी वक्त अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। ठीक।